हेलो किड्स, मैं शबीना और मैं लेकर आई हूँ आज एक और कहानी आपके लिए। आज की कहानी में आप सीखेंगे कि किसी को भी आपको छोटा नहीं समझना चाहिए। ये दुनिया है और किसी भी वक्त आपको किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इंसान को किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वैसे तो आप लोग YouTube पर और किताबों में कई कहानियाँ पढ़ते हैं और जो मैं बताती हूँ वो कहानियाँ आपने सुनी हुई भी होंगी, पर आप उन पर कितना अमल करते हैं ये आपको सोचना है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक छोटे चूहे और एक ताकतवर शेर की है। एक बार शेर अपनी गुफा में सो रहा था। एक चूहा कहीं से घूमता आया और उसकी पीठ पर कूदने लगा। जब चूहा उसकी पीठ पर कूदने लगा तो शेर की नींद में खलल पड़ा। शेर परेशान हुआ। उसने एक दो बार चूहे को अपनी पीठ से, अपने कान के पास से, अपने सिर से हटाया, अपनी पूंछ से हटाया, पर चूहे को बड़ा मज़ा आ रहा था। आखिर में शेर परेशान हुआ और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। उसने चूहे को पकड़ लिया। अब चूहा डर गया। चूहे ने कहा, शेर महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। शेर ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं वन का राजा हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई? चूहे ने कहा, ऐसा करो, इस बार मुझे माफ़ कर दो, हो सकता है भविष्य में मैं तुम्हारे किसी काम आऊँगा। शेर हंसने लगा, तुम इतने छोटे से चूहे और मेरे काम आओगे? चूहे ने कहा, एक बार मौका दो, हो सकता है मैं भविष्य में काम आ जाऊँ, इस बार छोड़ दो। शेर को दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। यूं ही दिन बीतते रहे, सब अपना घूम फिरते रहे जंगल में। एक बार शेर घूमते हुए जा रहा था तो कहीं से शिकारियों ने जंगल में जाल फैला के रखा था। जब शेर वहाँ पहुँचा तो वो जाल में फंस गया। जब वो जाल में फंस गया उसने पूरी कोशिश की निकलने के लिए, पर वो निकल नहीं पाया। तभी वहाँ वो चूहा घूमता हुआ आया। उसने देखा, उसने कहा, अरे महाराज आप? शेर ने कहा, हाँ मैं तो जाल में फंस गया हूँ और अब मुझे लगता है कि शिकारी पकड़ के ले जाएंगे। चूहे ने कहा, नहीं, आपका मुझ पर एहसान था, आपने मुझे जान बख्शी थी, आज वो उतारने का समय है, रुको मैं आपको इस बंधन से मुक्त करवाता हूँ। चूहे ने उस जाल को काटना शुरू किया और शेर को उस बंधन से छुड़ा लिया। शेर बड़ा खुश हुआ और दोनों की उस दिन से दोस्ती हो गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, दया भाव हमेशा रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब भी मंच पर आते थे तो वो अपने दर्शकों को प्रणाम करते थे। उनका मानना था कि जो लोग सामने बैठे हैं वो किसी भी आयु वर्ग के हो, किसी भी समाज के हो, कोई अमीर है कोई गरीब है, पर कौन कब और किस वक्त आपके काम आ जाए ये तो भविष्य ही बता सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी से ये ज़रूर सीखेंगे कि आप कभी भी किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे। तो अगली और कहानी के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।